नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों आज है 2 नवंबर और आज की डेट के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो सारी की सारी आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज से जो है आप लोग को 15-20 दिन तक बस कुछ प्रॉब्लम है, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था। हमारे दोस्तों जो कैमरामैन है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, उनका एक्सीडेंट हो गया, उस कारण से जो है दोस्तों इस टाइम हमारा जो है टाइम शेड्यूल से जो है वीडियो नहीं आ पाएंगे आप सभी के पास में, ठीक है। लेकिन अब आप इतना दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अब आपको दोस्तों कुछ वीडियो मिलेंगे, लेकिन अब वो वीडियो मिलेंगी जो दोस्तों आप लोग का उस टॉपिक को बिल्कुल कवर कर देंगी, ठीक है। वो वीडियो अपने आप में दोस्तों इतनी दोस्तों पावरफुल होगी जिससे कि वो टॉपिक पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो की संख्या कम जरूर होगी और बाकी मैंने आप लोग को जितने भी क्वेश्चन करा दिए हैं वो आप लोग के लिए पर्याप्त हैं। आप लोग उनको रिवाइज़ करते रहिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग फिलहाल बता सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फिलहाल बता दिया, आज से 15-20 दिन तक आप लोग का जो है टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है कोई भी वीडियो नहीं चलेगी। और जो भी वीडियो होगी जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँगा उससे आपको आधे या 1 घंटे पहले मैं आपको वहाँ पर इन्फॉर्म कर दूँगा व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। नीचे लिंक मैंने दे रखा है, अगर जो भी लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फिलहाल आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए जिससे कि दोस्तों आप लोग को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस के संबंध में, ठीक है ना। इतनी बात सभी के समझ में आ गई, तो बस यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इस वजह से जो है टाइमिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सारा काम दोस्तों मुझे सिर्फ अकेले करना पड़ रहा है। जो भी मुझे टाइपिंग है, कंटेंट सर्च करना है, सब कुछ जो है इस टाइम मुझे ही सिर्फ करना है, लेकिन आप लोग का कुछ छूटे ना इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के लिए कर सकूँ, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस में। अब मैं आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप लोग वीडियो शेयर करें या ना करें, आपको अच्छी लगती है तो वीडियो शेयर करें, नहीं अच्छी लग रही है बिल्कुल ना शेयर करें, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोग को पसंद नहीं आ रही कोई चीज़, और अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक कीजिए, लाइक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल आप लोग को। अब चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, बात करते हैं दोस्तों आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों आप लोग का यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन, आपको बता दें जर्नल नेचर में छपे शोध के मुताबिक दुनिया भर में 70% अनछुआ वन जो है वो अनछुआ वन प्रदेश जो वन क्षेत्र है वो सिर्फ कितने देशों में बचे हैं। तो आपको दोस्तों बता दें इसका जो राइट आंसर है ये है आपका 5 बार। तो दोस्तों जर्नल नेचर में छपे शोध में बताया गया है कि दुनिया भर में 70% अनछुआ वन जो है सिर्फ 5 देशों में, और वो 5 देश कौन कौन से हैं, पहला है आपका ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है ब्राज़ील, चौथा है रूस और पांचवा है कनाडा, यहीं पर ही बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से कैसे पूछा जा सकता है आपको बता दें, क्या पता क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि वो कौन सा दोस्तों देश है जहां पर आपका अनछुआ वन प्रदेश वन क्षेत्र जो है नहीं पाया जाता है। आपको 3 ऑप्शन मिलते हुए देते हैं और एक आपको अलग देते हैं, तो इन 5ों देशों के नाम याद रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस और कनाडा, यहीं पर सिर्फ बचे हुए हैं 70% अनछुआ वन क्षेत्र जो है सिर्फ 5 देशों में जो है बचे हुए हैं, और इनकी सुरक्षा के लिए जो है वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की ज़रूरत है फिलहाल। अब बात करते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इसका आंसर आप लोग का है 5। फिलहाल देखिए दोस्तों आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, कितने बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी एशियन स्क्रू आपके स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। तो दोस्तों ये जो हैं 19 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी जो हैं दोस्तों एशियन स्नूकर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं, और पंकज ने यह उपलब्धि 31 अक्टूबर 2018 को चीन में आयोजित एशियन स्नूकर टूर में सेकंड लेग में चीनी खिलाड़ी जू रेती को 6-1 से हराकर हासिल की है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, इसको आप लोग लर्न रखिएगा, ठीक है। फिलहाल चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, देखिए क्या है आप लोग का, ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते किस देश के गेंदबाजी कोच नुवान जोइसा का तात्कालिक जो है आपका प्रभाव से निलंबित कर दिया, भारत को, इंग्लैंड को, श्रीलंका को या फिर बांग्लादेश को। तो दोस्तों ICC ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते श्रीलंका के गेंदबाजी कोच नुवान जोइसा को तत्काल, ठीक है, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, और ICC की एंटी करप्शन यूनिट ने जोइसा को 3 नियमों के उल्लंघन करने का आरोपी भी बनाया है। तो फिलहाल दोस्तों ये है आप लोग का जो इसका राइट आंसर आपका श्रीलंका, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के 4th क्वेश्चन की, देखिए दोस्तों आपका 4th क्वेश्चन क्या है, ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या में युवा आबादी की वृद्धि देखते हुए अगले दशक में उसे किस देश की आबादी का 5 गुना रोजगार करीब 10 करोड़ जो है सृजित करना होगा, नेपाल को, चीन को, रूस को या फिर ऑस्ट्रेलिया को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फिलहाल आपको बता दें यह है ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म PwC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या में युवा आबादी की वृद्धि को देखते हुए
अगले दशक में उसे ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 5 गुना रोजगार यानी कि करीब 10 करोड़ जो है सृजित करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं फिलहाल आज के 5th क्वेश्चन की। देखिए, क्या आपका सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB में किस महानिदेशक DG को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए, क्या आपका SS देशवाल, ज्योति मर्रे चक्रवर्ती, विक्रम ठाकुर, दिलवाग सिंह? क्या होगा फिलहाल इसका राइट आंसर, ABC या फिर D? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका SS देशवाल सिंह। आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक DG SS देशवाल को भारत तिब्बत जो है सीमा पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देशवाल जी जो हैं दोस्तों, 1984 बैच के हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी हैं और वे 31 अगस्त 2021 तक सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर बने रहेंगे। तो आप लोग नाम ध्यान रखिएगा, SS देशवाल जी। ठीक है दोस्तों, आज से आपका, मैंने अभी बताया, शेड्यूल के हिसाब से कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप लोग चैनल पर रहना चाहते हैं तो रहिए, और अगर आप लोग को अगर नहीं पसंद आ रही कोई भी हमारी चीज़, तो आप लोग बिल्कुल दोस्तों चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को भी डिसलाइक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप लोग का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसमें भी बैठ जाएँ, चाहे TA हो, कुछ भी हो, UPSC हो, अब चाहें तो दोस्तों आप लोग प्रीलिम्स वाले एग्ज़ाम में बैठ जाएं, लेकिन अब मैं पूरी चैलेंज के साथ गारंटी देता हूँ कि उस एग्ज़ाम को भी दोस्तों आप लोग हिला के रख देंगे। इतना आप दोस्तों हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं फिलहाल, तो जो भी फिलहाल जो है बिल्कुल डीपली पढ़ना चाहते हैं, अब वही लोग सिर्फ चैनल पर रहें, ठीक है। अब कुछ भी दोस्तों, कोई भी क्रैश कोर्स यहाँ पर नहीं चल रहा है इस टाइम पर, क्योंकि प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, और अब मैं सिर्फ बिल्कुल सेलेक्टेड मटेरियल ही पढ़ाऊँगा। तो जो भी फिलहाल पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल डिटेल से हर एक पॉइंट को समझना चाहते हैं, तो वो ही लोग सिर्फ चैनल पर हैं, ठीक है। बाकी जिन्हें नहीं पढ़ना है, और जो भी अपना, जैसे कि लोग बहुत परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा, तो उनको बता दें फिलहाल आपका एग्ज़ाम जो है, मान लीजिए अब होगा आप लोग का जो है, मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। जिस दिन मैं लाइव टेस्ट लूँगा उस दिन मान लीजिए आपका एग्ज़ाम होगा, और जो लोग फिलहाल ये बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, तो भैया उनके लिए यहाँ पर चैलेंज है कि उस एग्ज़ाम में अगर आप लोग के जो है 40-50 क्वेश्चन सही निकल गए, तो फिर आप लोग का एग्ज़ाम जब हो तब देने चले जाइए। लेकिन अगर आप लोग के उसमें से जो है दोस्तों, अगर 40 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप लोग सोचिए, पोगो देखिए फिर बैठ के आप लोग, बिल्कुल, ठीक है। तो फिलहाल जो लोग भी फिलहाल इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में, वो तो उनके लिए तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन जो लोग फिलहाल परेशान रहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा, ये सिलेबस चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप लोग जैसे सोच रहे हैं एक ही एग्ज़ाम है, तो ऐसा थोड़ी ना है दोस्तों, दुनिया में खाली एक ही TA ही बचा है, और कोई एग्ज़ाम नहीं है क्या? मान लीजिए दोस्तों, अगर कल एग्ज़ाम हो जाए और आप लोग देने चले जाएँ, तो क्या होगा आपका, कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, आपने सोचा कभी? नहीं सोचा ना। इसलिए दोस्तों बिल्कुल तैयारी को बिल्कुल डीपली कीजिए। ग्रुप C का पेपर है, कोई ग्रुप D का नहीं, और आजकल दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं कि ग्रुप D का पेपर भी लोगों से नहीं निकल पा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी यहाँ पर ये मत सोचिए कि पेपर आप लोग का इजी आने वाला है। जितना दोस्तों मैंने अब तक करा दिया है दोस्तों, वो तो आप लोग का जो था बिल्कुल बेसिक था, सिंपल था, और जो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर जो था, कविता जी का मैसेज आया था दोस्तों एक बार कि सर जी आपने जो भी पढ़ाया है वो मेरा जो है UP SSC, सॉरी UPSC में दोस्तों, वो जब पेपर देने गए थे तो उनका प्रीलिम्स में पूरा पेपर फंसा है वहाँ पर, और उनको काफ़ी ज़्यादा, जितना भी मैंने बताया मैथ्स में, रीजनिंग में, और आपके GS में, सारा का सारा जो है ना दोस्तों, वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, ठीक है। फिलहाल उनके लिए धन्यवाद, और आप लोग भी दोस्तों उनसे इंस्पायर होइए। जितना दोस्तों मैं आपको कवर करा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल उसको पढ़ते रहिए ध्यान से। ये मत सोचिए कि दोस्तों ये आएगा नहीं आएगा, जैसे कि कल मैंने यहाँ पर देखा, जब मैंने सिख धर्म को पढ़ाया था, तो यहाँ पर कुछ लोग कह रहे थे कि सर ये हमारे टॉपिक में है क्या? अच्छा दोस्तों, आप लोग बताइए, GS का टॉपिक में GS कहीं से भी आ सकती है, सिख धर्म हो, ईसाई हो, कोई जैन धर्म हो, कोई भी हो, बौद्ध धर्म हो, कुछ भी हो, कहीं से भी आ सकता है दोस्तों। ये तो आप लोग बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये नहीं आएगा। अच्छा, आप लोग कैसे, किस बेस पर कह सकते हैं कि ये नहीं आएगा? और मैं दोस्तों कहूँगा कि सब कुछ आएगा, तब आप लोग क्या करेंगे वहाँ पर? इसलिए दोस्तों जितना मैं करा रहा हूँ, आप लोग बस उतना करते रहिए। बाकी आप लोग जहाँ से पढ़ रहे हैं, जहाँ से मर्जी आप लोग वहाँ से पढ़िए, लेकिन इतनी गारंटी जरूर देता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे बने रहेंगे तो ये छोटे मोटे एग्ज़ाम तो दोस्तों कुछ नहीं, आप लोग जो है प्रीलिम्स में भी बैठ जाओगे, वो भी आप लोग का एग्ज़ाम हंसते हंसते देते निकल जाओगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन के। इतना आज के लिए दोस्तों बहुत था, ठीक है। फिलहाल जिससे हमारी बातों को बुरा लगा, मैं किसी को यहाँ पर बुरा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, सबके लिए यहाँ पर जो है प्यार से ही बात कर रहा हूँ। बस मैं इतना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग जो है चैनल पर बने रहो, और जो भी हमारी वीडियो है उनको ज़रूर देखो। ये दोस्तों आप लोग की ज़िंदगी का सवाल है, ठीक है, यहाँ से आप लोग की लाइफ बन भी सकती है, और अगर आप लोग बातों को ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर आप लोग को अच्छा बुरा अपना सब कुछ पता है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए क्या है, हाल ही में किस देश द्वारा, निजी कंपनी द्वारा संचालित अंतरिक्ष में आपका ZQ-1 नामक पहला रॉकेट भेजने का प्रयास असफल हो गया? अमेरिका, रूस, चीन या फिर इसराइल?
तो दोस्तों यहाँ पर बता दें, फिलहाल इसका जो आपका राइट आंसर है यह है चीन। चीन का एक निजी कंपनी का अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने का पहला प्रयास असफल हो गया है। आपका ZQ-1 रॉकेट का पहला और दूसरा चरण सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन तीसरा स्तरीय रॉकेट का आखिरी चरण में कुछ गड़बड़ हो गई। फिलहाल ये है आपका इसका राइट आंसर, ये आप लोग का चीन, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ष 2024 तक अंतरिक्ष में बच्चों को जन्म देने में संभव बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? स्पेस, आपका स्पेस लाइफ ओरिजिन नीदरलैंड, चाइल्ड इन स्काई इंग्लैंड, लाइफ इन स्पेस रूस, लिमिट इन स्काई चीन। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। तो स्पेस लाइफ ओरिजिन में मिशन क्रेडल, ठीक है, कौन सा मिशन क्रेडल के तहत 2024 तक अनुभवी चिकित्सकों की टीम ने एक गर्भवती महिला को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना होगी, और इसके लिए एजेंसी को वॉलंटियर की तलाश है, ठीक है ना? तो क्या है फिलहाल इसका? स्पेस लाइफ ओरिजिन नीदरलैंड, ये है इसका राइट आंसर। क्लियर है ना? ओके, चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाल ही में किस स्थान पर रूस और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो परिषद की राजदूत स्तरीय बैठक हुई? मॉस्को, बीजिंग, सिंगापुर या फिर ब्रसेल्स? क्या होगा इसका राइट आंसर? ए, बी, सी या फिर डी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रसेल्स, ठीक है। तो ब्रसेल्स में बुधवार को रूस उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो परिषद की राजदूत स्तरीय बैठक हुई है, ठीक है। तो आप सभी लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर है ब्रसेल्स। अब देखिए दोस्तों आप लोग का फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। हाल ही में किस संस्थान ने कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे विकसित किए? CII ने, CIIR ने या फिर ICCR ने या फिर दोस्तों लार्सन एंड ट्रूबो ने? तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर है CSIR। यहाँ के वैज्ञानिकों ने कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे विकसित कर लिए। यह पटाखे न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि परंपरागत पटाखों की तुलना में 15 से 20% सस्ते भी हैं, ठीक है। तो क्या इसका राइट आंसर? ये आप लोग का बी वाला, CSIR, ठीक है ना? ओके, बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्था द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका WWF, वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर, ठीक है, द्वारा हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में वन्य जीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव की चर्चा की गई है। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो फिलहाल अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल आप लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो पसंद नहीं है तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब आपकी जब अगली क्लास होगी आपको व्हाट्सअप पर बता दी जाएगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आपकी अब से, क्योंकि वीडियो मुझे ही सिर्फ तैयार करनी है, तो मैं बिल्कुल दोस्तों वही मटेरियल सर्च करूंगा और अपने आप में दोस्तों उस टॉपिक को पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी ज़रूर देते हैं दोस्तों आप लोग को कि मैं अब जो भी टॉपिक लूँगा वो पूरा अपने आप में कम्प्लीट होगा। जैसे कि दोस्तों कल हमने मानव रोग अपने हिसाब से दोस्तों सेट किया, और मानव रोग अपने आप में दोस्तों बहुत कम्प्लीट टॉपिक है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। उससे बाहर लोग आप लोगों का नहीं आ सकता। तो फिलहाल निश्चिंत रहिए, आराम से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना आराम से कीजिए। कोई भी एग्ज़ाम देना हो, मैं नहीं कहता दोस्तों आप लोग ये दीजिए वो दीजिए, कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाओ, सभी में GS आती है, सभी एग्ज़ाम में मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है और हिंदी भी आती है। तो बस अब आप लोग अगर चैनल पर रहना चाहते हैं तो आप लोग रहिए, अगर आप लोग नहीं रहना चाहते हैं तो कोई वो बात है ही नहीं, आप लोग बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको डिसलाइक मारें, ठीक है। और अगर हमारी बातों से आप सभी को ठेस पहुँचे तो दोस्तों मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।